आई से के पाकिस्तान में भी इसका स्कोप काफ़ी लिमिटेड है, तो हमारी जो यंग जनरेशन है और यूथ है उसको इतना आइडिया नहीं है इस एडवांसिंग फील्ड के बारे में. तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है विच इज़ आई वोंट से इट्स न्यू बिकॉज इट हैज़ बीन एग्जिस्टिंग फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ इयर्स, लेकिन इसमें बायोलॉजिकल सिस्टम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं टू मेक प्रोडक्ट्स और टू मैनिपुलेट प्रोडक्ट्स और मैनिपुलेट सर्टेन प्रोसेसेस. इवेंचुअली जो इसका एम है इट इज इन फील्ड ऑफ हेल्थ केयर या इन इंडस्ट्री. हेल्थ केयर के हवाले से द प्रोडक्ट्स दैट यू गेट आर लाइक फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन्स हो गई और ड्रग्स हो गई, उनकी एफिकेसी टेस्ट हो रही होती है. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत इंटेंसिव R&D हो रही होती है बायोटेक के डिपार्टमेंट में. इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी इसका काफ़ी स्कोप है, स्पेशली इन पाकिस्तान जहाँ पे दे मैनिपुलेट क्रॉप उसकी यील्ड बढ़ाने के लिए, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और टू गेट जेनेटिकली मॉडिफाइड यू नो फूड प्रोडक्ट्स इन इंडस्ट्री, स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जहाँ पे R&D डिपार्टमेंट में बायोटेक्नोलॉजिस्ट को हायर करा जाता है टू चेक टू प्रोड्यूस एंजाइम्स फॉर एग्जांपल, टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स जो भी बॉडी में यूज हो रहे होते हैं ड्रग्स के लिए, ड्रग्स कैसे बिहेव करेंगी व्हेन दे इंजेक्टेड इन द बॉडी. तो सारी टेस्टिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज पहले कर रही होती हैं अपने R&D डिपार्टमेंट में जिसमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट हायर होते हैं. इसके अलावा जब आप इंडस्ट्रियल साइट पे चले जाएं तो काफ़ी सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें सेल्स को यूटिलाइज करा जाता है टू गेट अ सर्टेन प्रोडक्ट और वो लार्ज स्केल पे काम हो रहा होता है. तो बहुत सारे केमिकल्स जो के लैब में यूज होते हैं, छोटे से छोटे केमिकल्स क्यों ना हो जाएं, वो इंडस्ट्री में बनते हैं ऑन अ बिग स्केल एंड दे गेट कमर्शलाइज्ड और बहुत कैपिटल इन्वेस्ट होते हैं और कैपिटल आता भी. तो ये एक बात हो गई. इसके अलावा जो फील्ड हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अगेन आई से एग्रीकल्चर क्योंकि पाकिस्तान में इस चीज़ पे काफ़ी काम हो रहा है. ICCBS एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का एक प्लांट विंग है जिसमें प्लांट क्रॉप्स पे स्टडी कर रहे हैं, उनके उनकी विगर इंक्रीज कर रहे हैं, इन्हांस हो रही हैं, मैनिपुलेशन हो रही है क्रॉप्स में टू गेट अक्रॉस ब्रीड, डू रूटीन लैब वर्क माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में, फ्लिबॉटनी में, बायोकेमिस्ट्री में. दिस आर ऑल मेन बेसिक यू नो डिपार्टमेंट्स जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजिस्ट कैन गो इन एंड दे गेट द एक्सपीरियंस. इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ वन ऑफ द यू कैन से इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट जहाँ पे यू गेट टू वर्क विद DNA. आप DNA आइसोलेट करते हैं किसी भी सोर्स से, बीट एनिमल, बीट ह्यूमन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यू आइसोलेट द DNA, यू मैनिपुलेट इट, यू कैरी आउट द PCR, यू चेक द DNA सैम्पल्स. तो DNA की इम्पोर्टेंस, DNA मैनिपुलेशन से काफ़ी सारे डिजीज क्योर हो सकते हैं जो कि जिनकी ड्रग्स अवेलेबल नहीं हैं, जिनके ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं. तो आप उनकी रूट जो है, जो DNA आपका मेन प्रोग्राम, यू कैन गो इन, यू कैन मैनिपुलेट दैट एंड यू कैन कम्प्लीटली रिमूव द डिजीज और इन्फेक्शन, नॉट इन्फेक्शन बट डिजीज जो हेरिडिटरी नॉर्मली फैमिली में चल रहे होते हैं. ये एक इसका प्लस पॉइंट है और ये एक सबसे एडवांसिंग चीज़ भी है टू मैनिपुलेट द DNA. इसके अलावा जो इंटर्नशिप का मैंने बात करी, इंटर्नशिप के डिपार्टमेंट्स यू कैन गो टू हॉस्पिटल्स लैब रोटेशन के लिए, यू कैन गो टू रिसर्च इंस्टीट्यूट्स. आई से आहान हायर करता है वॉलंटियर्स को. इसके अलावा ICCBS एनुअली हायर करता है बायोटेक्नोलॉजिस्ट को इंटर्नशिप्स के लिए और वहाँ उनको प्रोजेक्ट्स भी ऑफर होते हैं. आई वुड एडवाइज स्टूडेंट्स के जितने ज़्यादा ऐसी जगह पे अप्लाई करें जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज हों टू गेट द प्रोजेक्ट्स. जितने ज़्यादा आपने साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स करे होंगे, जितना ज़्यादा आपका एक्सपोजर होगा इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, आपकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी. क्योंकि वो बात सही है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो दैट शुड बी यू नो अमेजिंग,
बट वेन इट कम्स टू द टेक्निक्स तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपका एक्सपीरियंस देखता है, नॉट जस्ट योर ग्रेड्स. तो जितना ज़्यादा हो सके उस जगह पे इंटर्नशिप्स करें जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो टू गेट प्रोजेक्ट्स और टू गेट इंटरनेशनल एक्सपोजर, कहीं ट्रैवल करने को मिले, एक्सचेंज प्रोग्राम्स हों, एक्सचेंज प्रोग्राम्स में जाएँ. You get to do a part of your project in Pakistan and the other in some other country. वहाँ पे जाएं क्योंकि उससे exposure बढ़ता है. You get to know a lot of projects that are going on in the world and you get to meet new people के किसका क्या background था और कहाँ वो आके stand कर रहा है. उससे बहुत फायदा होता है जब cultural exchange होता है and you get to realize के maybe आप के इस वक्त पाकिस्तान में चीज़ें कहाँ तक रुकी हुई और दुनिया कहाँ तक जा चुकी है. तो वो अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिले प्लीज़ गो फॉर देम. ये मैंने मेंशन करा आ खान है, SIUT है, SIUT में भी स्टेम सेल्स रिलेटेड एक डिपार्टमेंट है जिसमें काम हो रहा है और वो भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट को हायर करते हैं इंटर्नशिप्स के लिए भी, जॉब के लिए भी. लियाकत नेशनल हॉस्पिटल है, उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का डिपार्टमेंट है. वहाँ पे एवरी ईयर 2-3 स्टूडेंट्स हायर होते हैं और दे डू रूटीन टेस्ट एज वेल एज दे वर्क विद DNA सैम्पल्स. तो वहाँ पे आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको गेन हो सकता है. ICCDS में रिसर्च प्रोजेक्ट्स बहुत चल रहे होते हैं, तो इफ़ यू गेट टू बी अ पार्ट ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट आप पब्लिकेशंस करें. आपका साइंटिफिक कम्युनिटी में जितने पेपर्स होंगे, जितनी पब्लिकेशंस होंगी, आपकी वर्थ उतनी बढ़ेगी और आपके लिए इफ यू गो फॉर हायर स्टडीज आपकी पब्लिकेशंस भी देखी जाती हैं. यू हैव अ पब्लिकेशन और आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम करा है, इमिजिएटली आपका बॉस आपको हायर करेगा. जैसे गेट्स है, नोवार्टिस है और मर्क है, ये बहुत renowned pharma industries हैं जहाँ पे biotechnologists को hire करा जा रहा है. You cannot go into other departments like other than R&D department, क्योंकि biotechnology जब आप कर लेते हैं ना तो pharma आपके लिए background थोड़ा different हो जाता है. तो pharma में if you want to go into a pharma company, you can go into R&D department. If you have some background, आपने कोई drug पे कभी काम करा है, उसको manipulate करा है, उसको process करा है या उसको purify करा है even, तो वो एक बहुत that is going to be an amazing skill to impress the employer. R&D department में usually enzymes purify करे जाते हैं, enzymes कि कमर्शलाइजेशन होती है, ड्रग्स बनाई जा रही होती हैं, ड्रग्स की एफिकेसी चेक हो रही होती है, हाफ लाइफ चेक हो रही होती है. और इसके अलावा अगर ड्रग जो है इंजेक्ट करी जाती है बॉडी में, उसका बिहेवियर क्या है, इज़ इट गोइंग टू गिव एनी साइड इफ़ेक्ट्स या नहीं, और कितने हैं, उसकी पोटेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं. इसके अलावा Q&A डिपार्टमेंट है जिसमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट हायर होते हैं. Q&A डिपार्टमेंट में ड्रग्स की स्टैंडर्डाइजेशन करी जाती है, उनकी क्वालिटी चेक करी जाती है, उनकी पैकेजिंग, एवरीथिंग, हाउ इट इज़ गोइंग टू गेट एक्सपोर्टेड या जैसे भी पैकेज होकर मार्केट में कैसे आ रही है, वो सारी चीज़ों में बायोटेक्नोलॉजिस्ट आर गेटिंग हायर्ड इन दैट सेक्टर. एडवांसिंग जो हो रही है वो यूजली डिजीज़ को ट्रीट करने में हो रही है. वो वाले डिजीज़ जो ट्रीटेबल नहीं है ड्रग्स लेने से, या हेरिडिट्री चल रहे हैं और आपके DNA में है और फैमिली में चल रहा है, तो उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है. एंड ऑफकोर्स कैंसर, क्योंकि वो भी एक बड़ा मसला है ग्लोबली और उस पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्टिल अनक्लियर एंड पीपल स्टिल डोंट नो कि उसमें बेसिक चीज़ें क्या होती. रिसर्च में इसलिए यूज़ करी जाती है बिकॉज दे रिजेंबल ह्यूमंस सबसे ज़्यादा. तो रैट्स का जो, अगर आप माइस स्पेशली जो DNA होता है और आप ह्यूमन का DNA कंपेयर करें, सारा प्रोग्राम जो आपकी बॉडी में जो भी प्रोग्राम होता है दैट इज़ ऑल मेड अप ऑफ DNA, तो वो अगर आप कंपेयर करें तो ह्यूमंस का बहुत सिमिलर होता है टू माइस और ज़ेब्रा फिश.
इसलिए इन सारे एनुअल मॉडल्स पे रिसर्च करी जाती है, क्योंकि अगर इन पे चीज सक्सेसफुल हो जाती है तो बहुत इजी होता है ह्यूमंस पे अप्लाई करना और ह्यूमंस के लिए वो सेम रिसर्च प्रोड्यूस करके प्रोडक्ट्स बनाना, इसलिए एनिमल मॉडल्स यूज हो। ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग ऑन डेवलपिंग कोरोना वैक्सीन, कुछ लोग जो हैं वो प्लाज्मा यूज कर रहे हैं और उससे कर रहे हैं, बट इट नथिंग इज डेफिनेटिव येट। अभी तक ग्लोबली इस पर रिसर्च चल रही है और चीज़ें न्यू डिस्कवर हो रही हैं। अर्ली स्टेजेस पे वी ऑल न्यू के इनके कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं, कफ हो गई और फ्लू हो गया, फीवर हो गया, बट इसके साथ साथ हमें ये भी पता चल रहा है टाइम के साथ साथ कि इसमें और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें अभी तक पता ही नहीं है और वो भी डिस्कवर हो रही है। तो cannot say anything about corona vaccine, but let's hope we all, you know, get done with this corona thing by the end of this year. Dekhte hain ki iska kya chalta hai aage. So jitna bhi aapko mauka mil sake, please do internships. Aapka experience badhta hai. If you want to do biotechnology aur aapko isi se related jo hain wo internships karni hai, तो मेन जो है वो आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो जाते हैं, आ खान है, ICCBS है, ICCBS में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे रिसर्च हो रही है। सिमिलरली आ खान में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप की रिसर्च हो रही है, इन्फेक्शंस पे हो रही है, इसके अलावा स्टेम सेल्स पे हो रही है, तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा आप लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हैं और नेशनल सेंटर ऑफ प्रोटियोमिक्स है, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं। एंड इफ यू फील दैट यू आर मोर कंफर्टेबल डूइंग रूटीन लैब वर्क, तो आप डेफिनेटली हॉस्पिटल में जो लैब्स होती हैं आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे रोज पेशेंट सैम्पल्स की टेस्टिंग होती है, इन्फेक्शन चेक करे जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, तो यू कैन डेफिनेटली डू इंटर्नशिप। एनडी में एक डिपार्टमेंट है मेडिकल बायो इंजीनियरिंग, आई थिंक वहाँ पे भी मास्टर्स हो सकता है। एंड इफ यू वांट टू परस्यू योर मास्टर करियर अब्रॉड, तो आप डेफिनेटली बहुत सारी यूके है, यूएस है, जर्मनी है और भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं, के अलावा मलेशिया है, यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी को लेके बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे रिसर्च बेस्ड मास्टर प्रोग्राम्स भी ऑफर हो रहे हैं और थॉट बेस्ड भी हो रहे हैं। और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें क्लासेस होती हैं, साइड बाय साइड रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो अगर आपको ऐसा प्रोग्राम मिल जाए जहाँ पे आपको दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाए, यू गेट टू हैव थॉट कोर्सेज एज वेल एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट, तो वो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा। तो अगर आपके पास बायोलॉजी है एज अ सब्जेक्ट इन योर इंटर प्रोग्राम, तो उसमें उसके बाद आप जो है बैचलर्स बायोटेक्नोलॉजी में ले सकते हैं, लेकिन अगर बायो नहीं है तो फिर मे बी आप गलत फील्ड में और आप स्विच कर लें बायो में, आई वुड से दैट। लेकिन कॉमर्स लेके आप बायोटेक्नोलॉजी में नहीं जा सकते क्योंकि वो बैकग्राउंड नहीं है। Biotechnology is not just related to biological process, it is related to biological processes, लेकिन इसमें बहुत सारी और भी चीजें आती हैं, जैसे मैंने mention करा bioinformatics आ जाती है, जिसमें आपके statistics involve हो जाती हैं, machines आ जाती हैं, तो you are not just working with living organisms, but you also are, you know, engaging machines in it. Machine based काम हो रहे हैं सारे, तो उसमें जब ऐसी मशीन्स आ जाती हैं जिसमें आप अपना सैम्पल लोड करते हैं और उसमें आप टेस्ट करते हैं, या आप सैम्पल्स लेके, जैसे 3D बायो प्रिंटर है, एक अमेजिंग एग्जांपल है। 3D बायो प्रिंटर में आप सेल्स अपने डालते हैं एंड यू फीड अ प्रोग्राम इन इट, जो भी आपको बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू मेक अ स्किन और एन एयर, तो आप प्रोग्राम उसमें फीड करते हैं, यू लोड इन द सेल्स और आपका प्रिंटर जो है वो उसी की शेप में आपका ऑर्गन बना देगा या आपका वो स्किन बना देगा। तो बायो इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसमें आप इंजीनियरिंग और मशीन्स को आप बायोलॉजी के साथ कंबाइन करते हैं।